पर पाकिस्तान आ जाता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र रहा है, और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान आ जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन का टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, यानी कौन कौन से साधनों से अपन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, जिसमें से अपन ने तीन वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। यह लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इसमें, और चौथा है विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यानी विदेशी जो भारत में आए थे उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में, ये विदेशी जो वृत्तांत है, जो विदेशी जो लेखक है उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, जिससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में विदेशी यात्रियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें जो प्राप्त हो रही है उसमें विदेशी यात्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो भारत से बाहर से आए थे, ठीक है, और कुछ साल यहाँ पर रहे और का यहाँ की जो व्यवस्था थी उसका अध्ययन किया और अपने ग्रंथों में उसका वर्णन दिया, जो हमें आज अपन को मिल रहे हैं। इनके भारत में भ्रमण करने तथा उनके द्वारा भारत के संबंधित ग्रंथ व पुस्तकें लिखी गई, यानी उन्होंने भारत में भ्रमण किया पहले तो, और उसके संबंधित है ना जो ग्रंथ लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो विदेशी यात्री जो लेखक, इन्हें लेखक भी बोल सकते हो और या यात्री बोल सकते हो, क्योंकि वो भारत की यात्रा करने आए थे। और ये भारत की यात्रा करने क्यों आ रहे थे, भारत में क्यों आ रहे थे, ऐसा इसीलिए था फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित था, और उस बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए वो अपने देश से यहाँ पर आते थे और उसका अध्ययन करके चले जाते थे। तो आगे अपन बात करने वाले हैं विदेशी यात्री यानी लेखक। तीन प्रकार के लेखकों के अपन को ग्रंथ मिलते हैं। पहला जो लेखक थे यूनानी लेखक, यूनान को तो सबको सब जानते हैं, यानी यूनान एक प्रमुख देश रहा है जहाँ से धर्म प्रचलित रहा, बहुत सारे विद्वान रहे जैसे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, बहुत सारे विद्वान रहे जैसे सिकंदर, ये भी यूनान के आसपास से के क्षेत्रों से ही आया था, यानी मकदुनिया से आया था। तो यूनानी लेखकों को प्रमुख योगदान रहा। चीनी लेखक, चीन जो भारत के जो उत्तर पूर्व में जो हिस्सा है तिब्बत से ऊपर, चीन और तिब्बत, और तिब्बती लेखक हो जाएंगे जो प्राचीन काल में है ना, जो तिब्बत और चीन दोनों अलग अलग देश थे, लेकिन चीन ने अब तिब्बत पर अधिकार कर लिया है, तो जो चीन का हिस्सा हो गया है तिब्बत, ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में दोनों अलग थे, तो दोनों के अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आते हैं, ठीक है। तो अपन एक एक का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं यूनानी लेखक। यूनानी लेखकों ने अपने अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर भारत के बारे में लिखा। आप जानते होंगे कि कोई भी लेखक होता है वो अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर ही लिखता है। यदि मान लीजिए आप लेखक हो, ऐसा मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में रहकर आए हो, जैसे मान लीजिए जयपुर में रहकर आए हो और गांव में आप बता रहे हो, तो आप अपने अनुभव के आधार पर ही तो बता रहे हो, आपने वहां पर अध्ययन किया वही तो बता रहे हो कि भाई मैंने जयपुर में ये चीज़ देखी, तो वह अनुभव के आधार पर बताया आप बताओगे। उसी प्रकार वो यूनानी लेखक भी यहाँ पर रहते थे और अपने अनुभव के आधार पर ये सारी चीज़ें वर्णन करते थे। उसी प्रकार उन्होंने भारत में रहकर काफ़ी सारी चीज़ें अनुभव के आधार पर बताई, जिनमें अधिकतर बातें निराधार व मनगढ़ंत है, यानी अनुभव और अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताई, लेकिन अधिकतर जो यूनानी लेखकों ने लिखी है वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है, मनगढ़ंत है, मन से ही उन्होंने काफ़ी सारी बातें ऐसी लिख दी जो, यानी अपने ग्रंथों में काफ़ी सारी बातें ऐसी लिख दी जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं जैसे मान लीजिए आप जयपुर के बारे में लिखो, आप वहाँ पर रहे हो और कुछ बात झूठी लिख रहे हो,
मन की कल्पना के अनुसार लिख दिया कि यार ये चीज़ ऐसी हुई होगी। उसी प्रकार वो मन में जो विचार आए वो लिख दिए, वास्तविकता से वो काफ़ी दूर रहे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। प्रमुख यूनानी लेखकों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, यानी जो यूनानी लेखक थे उनके वर्णन करेंगे अपन। तीन चार ये लेखक हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टोटल हैं आपके, जो मैन मैन है वो लेके आया हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अपन को तो मैन मैन अच्छे अच्छे जो जानकारी अच्छी है उनकी। ठीक है, स्काइलैक्स ईरान के सम्राट धारा का एक यूनानी सैनिक था, यानी ईरान में है ना जो एक सम्राट था धारा, उसका ये एक प्रमुख सैनिक था, यूनानी सैनिक था। अब यूनान की बात करें तो यूनानी सैनिक की होगा। ठीक है, धारा ने इसे सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। तो ये जो धारा था ना, इसने इसको भेजा। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, धारा ने इस सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा तथा इसे सिंधु घाटी के बारे में वर्णन किया। यानी इसने किसका वर्णन किया, पहले तो है ना जो धारा के द्वारा इस स्काई लैक्स को सिंधु प्रदेश में भेजा गया, इसके बाद में वहाँ पर जो उन्होंने देखा, भारत में पड़ता है। अब देखो सिंधु प्रदेश को मैं नक्शे के आधार पर बताऊँ तो आपके माइंड में ऐसी छाप छप जाएगी कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर पाकिस्तान आ जाता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र रहा है और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान आ जाता है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र कौन सा प्रदेश कहलाता था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रदेश कहलाता था। यूनानी इधर साइड में विश्व में आप जाओगे तो यहाँ पर यूनानी जो देश है वो पड़ता है। अब भारत का मैप है तो विश्व का तो इधर साइड में ही होगा यूनान। तो ये जो था ना धारा, उसने यहाँ पर भेजा, यानी इस एरिया में भेजा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। अब तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया है, पहले अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान भी भारत में था तो पूरी सभ्यता थी, लेकिन अब टुकड़ों में बढ़ चुकी है। तो इस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भेजा और उसने काफ़ी अध्ययन किया और अपने ग्रंथों में उसको लिखा। दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा था कि आपको मैंने बताया था कि चीनी लेखक यहाँ पर देखो, दोबारा से रिपीट करता हूँ नक्शे के आधार, चीनी लेखक और तिब्बती लेखक, ये दोनों देश पहले अलग अलग थे। ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा है जो तिब्बत है, और इसके ऊपर जो जाओगे वो कौन सा हिस्सा है, वो चीन है। तो यहाँ से ये सारे के सारे आते थे भारत में। ठीक है, अब ये जो तिब्बत है ना, इस पर चीन ने अधिकार कर लिया, पहले ये अलग था, तो उसके आधार पर अपन पढ़ रहे हैं अलग करके। ठीक है, अब वर्तमान में तो स्थितियाँ बदल चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हिकेटियस। आप बहुत बारी वो नाम सुनते होगे यदि आपके पास में ज्योग्राफी है तो। हिकेटियस जो था ना, उसने भूगोल की रचना की थी। ठीक है, इसने हिकेटियस की प्रमुख रचना कौन सी थी, भूगोल। तो हिकेटियस ने अपने ग्रंथ भूगोल में सिंधु प्रदेश का वर्णन किया। अब देखो सारे लोग ही किसका वर्णन कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता का वर्णन कर रहे हैं, सिंधु प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया सिंधु प्रदेश कहाँ से इसकी स्थिति रही। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हेरोडोटस भी एक यूनानी इतिहासकार रहा है। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता माना जाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हेरोडोटस जो था ना वो इतिहास का जन्मदाता माना जाता है, यानी इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, इसने अपने ग्रंथ, इसका ग्रंथ का नाम क्या है, हिस्टोरिका, उसमें पश्चिम उत्तर भारत की जातियों का वर्णन प्रस्तुत किया। अब फ्रेंड्स, ये उत्तरी पश्चिमी भारत कौन सा है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, उत्तर तो ये है, पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम ये पूरा का पूरा भाग। तो वैसे इसने घुमाकर वही वो बात कर दी,
सिंधु सभ्यता भी लिख सकता था, लेकिन इसने तो उत्तर पश्चिम भारत का वर्णन दिया, बात वही है। अब इसमें जो जातियां थी यहाँ पर निवास करती थी उनका वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो तो क्लियर, समझ फ्रेंड्स में आगे आ रहा बढ़ते होगा। हैं। हमने क्या क्या बात कर ली, यूनानी जो लेखक थे उसकी बात की है। आगे बढ़ते हैं चीनी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक में तीन ही प्रमुख हैं आपके सामने दिख रहे हैं। तो पहला है जो विद्वान था सुमा चीन। ठीक है, सुमा चीन एक प्रमुख चीनी विद्वान रहा है। देखो अंत में ही चीन लिख रहा है इसके अंदर चीन। ठीक है, तो ये जो चीनी होते थे वो भारत क्यों आते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए सारे के सारे आते थे, जैसा कि आप सब आगे भी देखोगे। क्योंकि आप भारत की स्थिति और चीन की स्थिति जानते हो, भारत से ज़्यादा चीन में प्रचलित रहा, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म को निष्कासित कर दिया गया था। अभी भी आप जाकर देखोगे तो चीन में है ना बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सुमा चीन के इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। सुमा चीन को चीन के इतिहास का, बीच में क्या आएगा यहाँ पर आएगा चीन के इतिहास, आप लिख लेना। सुमा चीन को चीन के इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, सुमा चीन ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अपने ग्रंथ की रचना की। इसके ग्रंथ का नाम नहीं मिलता, लेकिन एक ग्रंथ की रचना की जिसमें भारत का वर्णन प्रस्तुत किया। ये भी भारत का वर्णन प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन इसके ग्रंथ की जानकारी नहीं मिलती। और चीन का ये प्रमुख क्यों हो जाता है, क्योंकि चीन के इतिहास का जन्मदाता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइयान, फाइयान काफ़ी प्रचलित रहा है, ह्यूनसांग काफ़ी प्रचलित रहा है, ये सारे के सारे चीन से आए थे। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने आया था। समझ पा रहे हो, एक तो आप ये ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, गुप्त शासक था एक, उसके समय ये भारत में आया था। और क्यों आया था, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो बौद्ध यानी धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था बौद्ध धर्म, तो उसका अध्ययन करने करने के लिए आया था। तो यहाँ पर देखो मैंने फाइयान लिखा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितने वर्ष रहा भारत में, 15-16 वर्ष भारत में रहा, जो लगभग अनुमान लगाया जाता है कि 15-16 वर्ष फाइयान भारत में रहा। इसने अपने ग्रंथ में बौद्ध धर्म पर अधिक प्रकाश डाला, यानी मैंने बता दिया है वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि बौद्ध धर्म पर प्रकाश डाले, क्योंकि अध्ययन अध्ययन ही इसका करने आया था। यहाँ पर जो बहुत सारे विद्वान जो विद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ, इनमें पढ़े ये। ठीक है, इसके बाद में हेवन सांग को आप ऐसे भी लिख सकते हो। हेवन सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया, किसके समय आ रहा है, ये हर्षवर्धन के समय आ रहा है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय ये भारत आया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, इसका भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करना ही प्रमुख उद्देश्य रहा। ये भी 15 वर्ष ही रहा लगभग। वो फाइयान भी कितने वर्ष रह रहा है, वो 15-16 रह रहा है, ये भी 15 वर्ष रह रहा है लगभग। ठीक है, इसके बाद में हिवुली, ये जो है ना आधा है, ठीक है पूरा नहीं है, है आधा है। तो यह हेवनसांग का मित्र था, ये जो था ना वो हेवनसांग का मित्र था, ऊपर पढ़ा है ना आपने। तो इसने किसका वर्णन किया, यानी अपने मित्र की जीवनी लिखी, यानी इसने हेवनसांग की जीवनी लिखी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अपन लास्ट पॉइंट है इसी में, तिब्बत लेखक। यूनानी और चीनी लेखकों की तुलना में समकालीन भारत का वर्णन कम दिया। कहने का मतलब है कि ऊपर हमने दो पॉइंट पढ़े, यूनानी लेखक और चीनी लेखक, इन्होंने तो बहुत सारा वर्णन दिया है, लेकिन जो ये तिब्बती लेखक थे इन्होंने कम वर्णन दिया है भारत का। ठीक है, इसके ग्रंथ भी कमी मिलेंगे आपको। ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे, उपासक थे, ये भी उसी चीज़ का वर्णन करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म जीवन में आप एक बार, सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ कि मैं एक बार ही उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, कि
यूट्यूब पर एपिसोड दे रखे हैं बौद्ध, जो बौद्ध धर्म के आधार पर यानी महात्मा बुद्ध का एपिसोड चलता है। तो उस महात्मा बुद्ध के एपिसोड को यदि देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप फिल्म अन्य चीज़ें देखते रहते हो, लेकिन आप उनको देखकर देखो, आपका जो ये चैप्टर है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा कि महात्मा बुद्ध कौन थे। ठीक है, इस तिब्बती लेखक में प्रमुख लेखक रहा एक ही लांबा तारानाथ। इसने दो ग्रंथ लिखे, तारानाथ ने प्रमुख दो ग्रंथों की रचना की, कंग्यूर तंग्यूर। ठीक है, उल्लेख किसका देता है इन दोनों में? उपर्युक्त दोनों ग्रंथों में यानी इन दोनों ग्रंथों में 12 संबंधित विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी 12 संबंधित विवरण इन दोनों में प्रस्तुत किया है। उनका विवरण धार्मिक पक्षपात एवं अविश्वसनीय तथ्यों से भरा पड़ा है, यानी इन्होंने जो वर्णन दिया उसने धर्म पर पक्षपात कर दिया। यानी एक धर्म को बुरा बताना, एक धर्म को सही बताना, यानी एक धर्म की अच्छाई अच्छाई गिराना। अविश्वसनीय यानी उसकी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसे तथ्यों को इसमें शामिल कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन बीए पार्ट संबंधित और अन्य जो पार्ट हैं, बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी वीडियो डालता रहता हूँ। तो इनका लाभ लीजिए, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।